Navneet Ranaji. five minutes <laughs> and we support and i support this bill it's a very good and bold initiative by the government it will enable faster longer term infrastructure growth of the country by making Availability of timely and easier way of long term finance through establishment of a key institution. a National Bank for Financing in Infrastructure and Development, timely finance is the major roadblock in the infrastructural development, which this bill effectively address. There are various good measures like. Of infrastructure's receivables take over the existing finance and even conversation of loan inequality, which shall surely help infrastructure sector. The bill also proposed development of bound and market necessary for infrastructure financially, thereby helping the agency to raise low cost, low cost funds and effectively. Reducing cost of project and lower burden to public, despite getting best infrastructure, the bank is being established with the development objectives. The coordination with the central and state governments, regulators, financial institutions, institution investors, and such other relevant stakeholders to facilitate building and improving the relevant institutes to support the development of long-term non-resource infrastructure financially in India, including the domestic bonds and markets, shall also help some medium enterprises in this sector and grow properly. Propose. I just congratulate the uh, Finance Minister regarding this bill. The way the Corona, COVID has come in India, and the people are facing a problem and after still... We are focusing on India's infrastructure development and we are giving some nice budget to infrastructure that India should get developed and uh, form some other thing in upcoming years. And uh, according to me, मैडम जो भी चीज़ें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हर राज्य को और केंद्र को दिया है आने वाले समय में आज उसमें खामियां निकालने से कुछ नहीं होगा वी हैव सेक्रीफाइज आर टू ईयर्स एम पी लैंड फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री एंड आई रिक्वेस्ट फ्यू ऑफ माई कॉलीग्स दे हैव मैं दी एम पी लैंड फंड वॉट वी हैव गिवन टू देंट्रल गवर्नमेंट अगर जान ही नहीं रहेगी तो हम काम और डेवलपमेंट करके क्या करेंगे इसलिए जो एमपी लैंड फंड दिया गया है जो हेल्थ इश्यू पे दिया गया है उसको प्रॉपरली अगर तालू के प्लेस में हॉस्पिटलाइज में मेडिसिन में मेडिकल्स में अगर यूज करते हैं तो आई थिंक ये जान से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता और आपने जो एमपी लैंड फंड लिया इसका दुख है पर एक बात से हम जो जान बचा रहे हैं इस देश में उसके भी साथ खड़े हैं कि जान से बढ़कर इस देश में कोई चीज नहीं है तो उसका भी अप्रीशिएट करते हैं और अभी बहुत सारे कलीग्स ने फ्रॉम महाराष्ट्र दे स्पोक अबाउट जीएसटी दी अमाउंट हैज टू बी गिवन बाय देंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी इज रिमेनिंग विद देंट्रल गवर्नमेंट वी ऑल न्यू फ्रॉम लास्ट वन ईयर वी फेसिंग वेरी हॉरेबल टाइम इन इंडिया और हमें उसका uh, बोलते हैं कि भावना पता है कि आपका नहीं देने का कारण क्या है पर फिर भी मैं आपसे विनती करूंगी जो जीएसटी हमारे महाराष्ट्र की सेंटर के तरफ कुछ बैलेंस है आपने कृपया करके अगर वो जीएसटी देंगे क्योंकि हमारे राज्य में आज हॉस्पिटल की परिस्थिति बहुत खराब है पूरे देश में अव्वल नंबर में हम कोविड में है हम अच्छे कामों पर नहीं है अव्वल नंबर है डेथ रेट में हम अव्वल नंबर है कोविड में सबसे आगे नंबर में तो मुझे लगता है अगर आप जीएसटी के द्वारा कुछ हमें दे सकेंगे तो हॉस्पिटल में डेवलपमेंट्स होंगी हेल्थ सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगी और कुछ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हम हमारे महाराष्ट्र में कर सकते हैं फार्मर्स की परिस्थिति बहुत खराब है जहाँ किसानों पे अनवांटेड रेन भी बारिश ये तीन दिनों में आई है उसके तरीके से भी हमारे महाराष्ट्र के संक, फार्मर्स संकट में है उसके बाद ये बात कर रहे हैं हमारे सभी लोग दुख हैं हम लोगों को वो सब चीज का अनुभव है सभी के घरों में कार है सभी नॉर्मल लोग एक्टिवा से लेके फोर व्हीलर तक चलाते हैं जो जीएसटी और जो वैट हमारे पेट्रोलियम और डीजल में लगता है अगर आपने पूरे देश में अलग अलग राज्यों का हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैट और इंटरेस्ट जो प्रॉफिटेबल है वो हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार लेती है और उसके पहले बहुत देवेंद्र फडणवीस साहब जब थे तब इन्होंने जो भी टैक्स रेट बढ़े थे उसमें कम करके हमारे महाराष्ट्र के लोगों को सुविधा दी उसी तरीके से मैं आपके माध्यम से विनती करूंगी कि दिस इज नॉट दिस इज एक्चुअली दिस इज द सब्जेक्ट्स मैडम एक मिनट लास्ट का तो इसमें भी कुछ आपके तरफ से Uh, अगर राज्यों को मदद हो सके तो पेट्रोल और डीजल के लिए भी आप लोग मदद करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट्स ऑफ uh, uh, इसमें प्राइस बढ़े हैं तो उसमें भी आप मदद कीजिए और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगी जिस तरीके से ओडिशा ने 20.6 परसेंट पे अपना इंटरेस्ट लागू किया है उसी तरीके से महाराष्ट्र भी कर सकती है जो आज महाराष्ट्र 26.9 टैक्स लेती है अगर महाराष्ट्र के लोगों को जनता को सुविधा देनी है टैक्स में कमतरता लानी है तो उन्होंने अपना प्रॉफिट छोड़कर लोगों की भलाई इसमें सोचना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है एंड मैडम मैडम आई सपोर्ट इन दिस बिल टू यू बिकॉज इन दी कोविड आल्सो यू हैव गॉट अ वेरी गुड बिल इन अबाउट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर थैंक यू सो मच मैडम श्री